पिछले दिनों कई कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आई हैं। इन आईपीओ में कुछ में निवेशकों को बंपर मुनाफा भी हुआ है। अब एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। अगर आप आईपीओ में निवेश करना पसंद करते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। ये आईपीओ नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया का है। कंपनी कंप्यूटिंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। कंपनी का आईपीओ 17 जुलाई को ओपन होगा और आप इसको 19 जुलाई तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्या कुछ डिटेल्स हैं इस आईपीओ की, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। इस आईपीओ का साइज 631 करोड़ रुपए है। कंप्यूटर से संबंधित डेटा के बारे में सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी नेटवेब के आईपीओ का प्राइस बैंड 475 रुपए से लेकर 500 रुपए तक डिसाइड किया गया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 206 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर्स जारी करेगी। वहीं बाकी बची राशि का ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर जारी किया जाएगा। ऑफर फॉर सेल के जरिए कुल 85 लाख शेयर्स जारी किए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आईपीओ को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 14 जुलाई को ही ओपन कर दिया गया है। कंपनी ने आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट तय किया है। ऐसे में 475 से 500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आपको कम से कम 15,000 रुपए का निवेश करना होगा। इसके शेयर्स का अलॉटमेंट 24 जुलाई को हो सकता है। निवेशकों को डीमैट अकाउंट में 26 जुलाई 2023 तक शेयर क्रेडिट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग 27 जुलाई तक हो सकती है। शेयर्स की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होगी। कंपनी ने कुल आईपीओ में से 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों और 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल NNII के लिए रिजर्व करके रखा है। आईपीओ के जरिए जुटाए गए फंड का कंपनी क्या करेगी, अब ये भी बता देते हैं। इस आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम का कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल करेगी। वहीं कुछ रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए करेगी। वहीं कंपनी के कई प्रमोटर जैसे नवीन लोढ़ा, विवेक लोढ़ा और नीरज लोढ़ा अपनी हिस्सेदारी इस आईपीओ के जरिए बेचेंगे। आपको बता दें कि नेटवेब टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना साल 1999 में हुई थी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कंपनी ने 40.94 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट की सूचना दी थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का कुल रेवेन्यू 445.65 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस की पेशकश करती है। शेयर बाजार में बिना जानकारी के निवेश करना ठीक नहीं है। निवेश करने से पहले एक बार आप अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुड रिटर्न्स की तरफ से आपको ये सलाह भी साथ में दी जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।